हेलो एंड वेलकम टू इजी कुकिंग रेसिपीज़। आज हम बनाने वाले हैं पेरी पेरी पास्ता, वो भी एक ही पॉट में। बहुत क्विक बनने वाली रेसिपी है, तो चलें रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पेरी पेरी मसाला बना लेते हैं। उसके लिए मैंने यहाँ पर 2 टीस्पून रेड चिली पाउडर लिया है, 1 टीस्पून गार्लिक पाउडर डालेंगे। गार्लिक पाउडर ना हो तो फिर 2 क्लोव्स गार्लिक के डाल लें। 1/2 टीस्पून जिंजर पाउडर डालेंगे, और अगर नहीं हो तो जिंजर का छोटा सा पीस डालें। 1/2 टीस्पून नमक डालेंगे इसमें, और 1/2 टीस्पून डाल देंगे काला नमक। और इसके अलावा हम इसमें डालेंगे चिली फ्लेक्स, तो 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स लिए हैं यहाँ पर मैंने। 1 टीस्पून ऑरिगेनो डालेंगे, या फिर मिक्स हर्ब्स डाल लें, और चाहें तो स्किप कर सकते हैं, लेकिन अगर हो तो ज़रूर डालें। 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर, और एक छोटा सा पीस दालचीनी का। इन सब मसालों को हमें ग्राइंड कर लेना है अच्छे से फाइन पाउडर में, और इसमें से हम 1 टेबलस्पून यूज़ करेंगे। बाकी का आप स्टोर कर कर रख सकते हैं, किसी भी सब्ज़ी में डालेंगे वो भी बहुत टेस्टी हो जाती है, और ये जल्दी ख़राब नहीं होता है मसाला। तो ग्राइंड करने के बाद यहाँ पर मैंने 2 टेबलस्पून ऑयल लिया है, आप चाहें तो बटर ले सकते हैं। इसमें 1 टेबलस्पून गार्लिक डालेंगे फाइनली चॉप्ड, और इसको 1 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। इसके बाद 2 टेबलस्पून डालेंगे मैदा इसमें, और इसको लगभग 2 मिनट के लिए हम पका लेंगे लो फ्लेम पर। और इसे पकाने के बाद हम इसमें डाल देंगे दूध। मैंने यहाँ 2 कप दूध लिया है, बैचेस में डालें दूध को, एकदम सारा नहीं डाल दें, और इसे विस्क करते रहें, और इसको लो मीडियम फ्लेम पर पकाते रहें जब तक ये थोड़ा थिक नहीं हो जाता। तो ये देखें, इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी थिक हो गई है। इस पॉइंट पर हम इसमें डाल देंगे मसाला। तो यहाँ पर मैं 1 टेबलस्पून पेरी पेरी मसाला डाल रही हूँ। आप थोड़ा स्पाइसी चाहते हैं 2 टेबलस्पून तक भी इसे डाल सकते हैं, और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे इसमें, और मीडियम फ्लेम पर इसे 1 से 2 मिनट के लिए और पका लेंगे ताकि मसाला इसमें अच्छे से मिक्स हो जाए। इस पेरी पेरी मसाले से इस पास्ता का टेस्ट बहुत ही अच्छा हो जाता है। अब हम इसमें डालेंगे केचप, तो आप अपने टेस्ट के हिसाब से केचप डालें, मैंने थोड़ा सा ही डाला है, आप 1 से 2 टेबलस्पून तक डाल सकते हैं। इसे भी मिक्स कर देंगे। मैं इसे बहुत लाइट रख रही हूँ, बहुत स्पाइसी नहीं रख रही हूँ, तो आप अपने टेस्ट के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। अब हम इसमें डाल देंगे पास्ता, तो 2 कप पास्ता लिया है मैंने, और इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे। तो मैं डालकर देख रही हूँ कितनी ज़रूरत है इसमें, तो लगभग मैंने 1/2 कप इसमें पानी डाला है। इसे मिक्स कर देंगे और कवर कर कर रख देंगे लो मीडियम फ्लेम पर जब तक कि पास्ता अच्छे से गल नहीं जाता, और बीच में चेक करते रहें, अगर पास्ता में पानी की ज़रूरत हो तो और डाल लें। देखें, बीच में इसे चेक कर लेते हैं थोड़ा सा, इसे चलाते रहें बीच बीच में ताकि ये पास्ता चिपके नहीं, और अगर पानी की भी ज़रूरत होगी तो हम और पानी डाल देंगे। अभी मुझे पानी की ज़रूरत नहीं लग रही है, इसे कवर कर कर वापस रख देंगे और तब तक पकाएंगे जब तक ये गल नहीं जाता अच्छे से पास्ता। तो आप चेक कर लें फिर, लगभग 10 मिनट में ये कुक हो जाना चाहिए पूरी तरह, लेकिन टाइम डिफर कर सकता है आपका। तो देखिए अच्छे से कुक हो गया है, कितना क्रीमी पास्ता बनाया है ये। अब हम इसमें थोड़ी सी वेजिटेबल्स डाल देंगे, आप अपने पसंद की कोई भी डाल सकते हैं। देखिए मैं चेक कर कर देख रही हूँ, इसमें नमक वगैरह की ज़रूरत हो तो आप ऐड कर सकते हैं। अब हम इसमें डाल देंगे कैप्सिकम, तो 1/2 कैप्सिकम को मैंने इस तरह चॉप कर लिया है, और इसे डाल देंगे। और बॉइल्ड कॉर्न डाल दिए मैंने 1/4 कप, और 1/4 कप ही चीज़ डाल दी है। चीज़ ऑप्शनल है, और सब्ज़ियाँ भी आप अपनी पसंद की डाल सकते हैं। मैंने पहले नहीं डाला है कैप्सिकम, तो आप अगर चाहें तो थोड़ा सा कुक हुआ हुआ चाहते हैं, थोड़ा सॉफ्ट चाहते हैं कैप्सिकम, तो आप थोड़ा सा पहले डाल सकते हैं इसे। मैं ओवर कुक ना हो इसलिए मैं लास्ट में ही डाल रही हूँ। बस इस फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे और इसे सर्व कर लेंगे। देखें इसका चीज़ स्ट्रेच कितना अच्छा आ रहा है। ज़रूर बनाएं इसे, और मुझे अपनी फीडबैक कमेंट सेक्शन में दें। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।